लॉर्ड सुलेवन ने सभी से मांगी माफी, AEW का प्रसारण हो सकता है फ्री में, और रोमन रेंस ने क्यों की विंस मिकमैन की तारीफ, जानिए आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बेसिकली तीन बड़ी खबरें कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE के नए मॉन्स्टर यानी कि लॉर्ड सुलेवन की। तो दोस्तों लॉर्ड सुलेवन ने हाल ही में मांग ली है सभी से माफी, तो आखिर क्या रीजन रहा चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले लॉर्ड सुलेवन की बात की जाए, लॉर्ड सुलेवन दोस्तों काफी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं WWE में आने से पहले। दरअसल वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कुछ कहा करते थे, वैसे ही दोस्तों लॉर्ड सुलेवन रहे हैं अपने पास्ट में, जहां उन्होंने रेसलिंग के ऊपर, रेसलिंग को छोड़िए हर एक व्यक्ति यानी कि नस्ल भेद के ऊपर, रंग भेद के ऊपर, यहां तक कि उन्होंने दोस्तों ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिए जो कि मैं यहां बोल भी नहीं सकता। और यहां बात कर ली जाए कैसे कैसे बयान थे, तो एक बयान उनका ये था कि विंस मिकमैन जो है वो एक गंजेड़ी है। वहीं उनका एक बयान ये था कि मुस्लिमों को बैन कर देना चाहिए। तीसरा बयान जो उनका था वो रंग भेद के ऊपर था, यानी कि आप समझ सकते हैं अफ्रीकी अमेरिकन्स के ऊपर था, और काफी कॉन्ट्रोवर्शियल बयान उन्होंने दे रखे थे और सोशल मीडिया के ऊपर ये आज भी उपलब्ध है और उसके स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वेल वही बात की जाए कि इन बयानों से हुआ क्या, तो पास्ट में ये सारे बयान दबे हुए थे, एक व्यक्ति ने दोस्तों ट्विटर के ऊपर ये सारे बयान कर दिए पब्लिक, और उसके बाद जो बखेड़ा खड़ा हुआ है दोस्तों वो आप मुझसे पूछे ही ना। सोशल मीडिया के ऊपर कई लोगों ने उन्हें गालियां देनी स्टार्ट कर दी, वहीं WWE की तरफ से भी रिएक्शन आने स्टार्ट हो गए थे। ऐसे में दोस्तों लॉर्ड सुलेवन को माफी मांगनी पड़ गई और उनका कहना यह रहा कि जो मेरा पास्ट था वो मेरा पास्ट था, लेकिन पास्ट का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, और ऐसे में उन्होंने मांग ली सभी से माफी। तो गाइस काफी सही चीज उन्होंने कर दी, क्योंकि अगर विंस को पता चल जाता तो शायद आपको लॉर्ड सुलेवन WWE के अंदर नहीं WWE के बाहर देखने को मिलते। वेल अभी भी उनके ऊपर ये चीज इम्पैक्ट डाल सकती है, उनके पुश के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, लेकिन वो तो समय बताएगा। लेकिन अब हम चलते आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है AEW से। तो दोस्तों काफी बड़ा रूमर आ रहा है और ये रूमर है कि AEW हो सकता है फ्री में एयर। जी आपने बिल्कुल सही सुना, AEW के प्रसारण के ऊपर कई लोगों की नजरें है कि कब वो प्रसारित होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि किस पर वो आएगा। और इंडिया में तो दोस्तों शायद से उसका प्रसारण हो पाएगा, क्योंकि कोई भी टीवी डील अभी तक साइन नहीं हो पाई है। वही बात की जाए रूमर की, तो रूमर दोस्तों हाल ही में निकला है एक बड़े सोर्स के मुताबिक से। सोर्स का नाम है द रैप, और द रैप के अनुसार AEW अपने शो का यानी कि डबल और नथिंग का 25 मई को प्रसारण करेगा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर, और ये लाइव स्ट्रीम फ्री में किया जाएगा। तो दोस्तों काफी बड़ी खबर आ रही है निकल के। हालांकि दोस्तों मैं इसे रूमर की श्रेणी में रखूंगा, क्योंकि अगर ये चीज सच हो जाती है तो काफी सही रहेगा, लेकिन सच नहीं होती तो आपको दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं आती। हालांकि अगर फ्री में आ जाती है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन वो तो समय बताएगा। हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो दोस्तों हाल ही में रोमन रेंस ने कर दी जमकर विंस मिकमैन की तारीफ। अब ऐसा क्यों हुआ चलिए जान लेते हैं। तो हाल ही में दोस्तों रोमन रेंस ने अपने कैंसर के दिनों की बात की और वहां उन्होंने विंस मिकमैन का जिक्र किया। वहां वो बोले कि विंस मिकमैन मेरे लिए एक गॉडफादर के समान थे। जब मैं बीमार था यानी कि जब मैं ल्यूकीमिया से जूझ रहा था, तो उस वक्त मुझे विंस मिकमैन के मैसेजेस आते रहते थे। वहां विंस मिकमैन का कहना यह रहता था कि तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पेन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जितनी भी नेगेटिविटी है उसे दिमाग से निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुम्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसी के चलते तुम इस बीमारी से लड़ सकते हो। ऐसे ऐसे मैसेजेस उन्हें विंस मिकमैन के आते रहते थे, और रोमन बोले कि मुझे विंस मिकमैन का पूरा सपोर्ट था। विंस मिकमैन कुछ चंद लोगों में से एक थे जो कि उस वक्त मेरे साथ थे। तो यहां काफी बड़ा खुलासा कर दिया रोमन रेंस ने, क्योंकि ऑन स्क्रीन अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो लगेगा ऐसा है कि जैसे एक दूसरे का खून करने वाले हैं। पर हाँ, जानकर अच्छा लगा कि विंस और रोमन रेंस के रिलेशन इतने भी बुरे नहीं है जितने ऑन स्क्रीन दिखते हैं। बट दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूले और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।